हाँ तो भाई जी, स्वागत है एक्सप्लोरिंग सह्याद्री के एक नए एपिसोड में। एंड अभी हम निकल रहे हैं लोनावला के लिए, तो उसके पहले हमें एक वाटरफॉल मिला है वहाँ पे हमें। तो अभी थोड़ी देर में हम पैर धो के ईसापुर के ट्रैक की वजह से हमारे पैर बहुत खराब हो गए हैं, तो अभी तो वो पैर धो के बस हम निकलेंगे, तो मिलते हैं। हाँ तो भैया जी, हम अभी है लोनावला में। एंड अभी ये एक होटल है, इसका नाम है हिल फॉरेस्ट रिजॉर्ट है। एंड अभी तक जो बात हुई हम होटल को ढूंढने के चक्कर में, वो रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा कांड तो ये हुआ, जब हम होटल ढूंढ रहे थे तो यहाँ आने के बाद में पता चला कि मेरा वॉलेट गिर गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो उसी के टेंशन के चक्कर में ये लोग होटल बुकिंग कर रहे थे, ये दर्शन और प्रतीक। तो वो चक्कर में मैं और ऋषिकेश बस बाहर खड़े थे गाड़ी के पास में। भैया जी ने गाड़ी की चाबी गाड़ी में रहने दिया, गाड़ी के दरवाजे लग गए। और भाई साहब बोल रहे थे कि बारिश हो रही है तो गाड़ी के कांच ऊपर कर दे। मैंने गाड़ी के कांच ऊपर किए, चाबी निकालना भूल गया। बाहर खड़े थे हम, गाड़ी के दरवाजे सब बंद कर दिए और एक खट करके ऐसा आवाज आया, एक शानदार सा ऐसा किया सीधा। कुछ नहीं, हमने हमारी इतनी बड़ी 15 इंच की लोहे की स्केल। मेरे को प्रतीक बोल ही रहा था कि भाई गाड़ी की चाबी संभाल के ये भुजिया जो खाया खत्म ही नहीं हो रहे उसके, तब से भुजिया जो के पीछे ही है। सो अभी हम होटल में है, सब हो गया है, इसके बाद में अभी होटल टूर भी देना है। सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ पूल है। A few inches later. इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अभी एंजॉय करेंगे अच्छे से, और अभी हम जा रहे हैं पूल पे। सो हमारे दर्शन भैया जी फाइनली तैयार हो गए, जो आज तक कभी स्विमिंग पूल में गए नहीं है। भैया जी अभी है सुबह, सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं, और 7 बज रहे हैं, 4 मिनट बाकी है 7 को। वो भी सुबह के 7 बज रहे हैं। हम रात में जल्दी सो गए थे, मैं और ऋषिकेश 10 बजे, ये लोग 10:30 बजे आए ऊपर फिर आके सोए। तो अभी हम सब रेडी हो रहे हैं और हमको अभी निकलना है देवकुंड के लिए। यहाँ से 80 किलोमीटर है, हम अभी लोनावला पे स्टे कर रहे हैं। एंड कर रहे थे अभी चेकआउट करेंगे, अभी नाश्ता करेंगे कहीं पे तो भी, और निकलेंगे देवकुंड के लिए। और ये है हमारा स्टे, हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं, होटल हिल रिजॉर्ट। बारिश शुरू है यार फिलहाल। भैया गर्म पानी मिलेगा क्या? गर्म पानी हाँ पीने के लिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, तबीयत खराब इसलिए। ऊपर अभी आएंगे, नीचे ही आ रहे हो? हाँ ओके। मयूर आए, फक ऑफ मया, कैलाश खेर, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। अभी हे ब्लॉग में टाकणार आहे बेटे मंद। हाँ तो भैया जी, हम अभी निकल रहे हैं देवकुंड के लिए, सुबह के 8 बज रहे हैं। एंड दर्शन सर को कुछ कहना है? यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश में हम देवकुंड की ट्रैक। लेट्स गो बेबी, चेकआउट हो गया? चेक इन में इतना टाइम नहीं लगा, चेकआउट 2500 दिए भाई, होटल देख लो। ये होटल हिल रिजॉर्ट होटल, यहाँ से अंदर है वहाँ, यहाँ से जाना पड़ता है वहाँ, पूल है यहाँ से, ऐसा पूल है। हाँ पूल मजे की है, गार्डन में बैठे रात को कैरम खेले, बजाए कैरम खेले और थोड़ी सी मजा भी। हाँ टेंशन का माहौल और गंभीर स्थिति रहने की वजह से, बारिश की थोड़ी ज्यादा संभावना होने की वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा है। ऑल दोज ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम यवतमाल, दोज हु विजिटिंग येड़ाबारा,
चलो देवकुंड तुमको दिखाते हैं अभी। नो पार्किंग नो हॉल्टिंग 100 meters आणि आम्ही इथे आम्ही इथे खूप लापरवाहीने आम्ही इथेच पार्क केली आमची गाडी अँड आता आम्ही खाणार आहे इडली वडा। वडा मेंदू वडा नाही बे मेदू समझला। अभी नाश्ता हो गया है लेकिन अगर आपको नाश्ता करना है तो आप हमेशा यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छे इडली सांभर बनाते हैं आपका। हमने ऐसा सोचे थे कि हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, सिर्फ ब्रेकफास्ट करेंगे, बाद में लंच करेंगे, लेकिन हम टेस्ट इतना टेस्टी होने की वजह से हमने इतना सारा खा लिया कि हमें लंच करने की भी ज़रूरत नहीं है। टेस्ट होने से बहुत फ़ायदा होता है और पूरा पेट भर गया। अभी देवकुंड के ट्रैक में मज़ा आएगा।